हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप एमएससी फाइनल ईयर कंटेनम मैकेनिक्स में एनालिसिस ऑफ डिफॉर्मेशन इन ए कंटेनम, ये हमारी यूनिट नंबर 3 है जो चल रही है। तो अब हम इसमें जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं जर्नल स्ट्रेन। तो देखिए जर्नल स्ट्रेन क्या होगा। जर्नल स्ट्रेन है इफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यू आई देन डेल यू आई डेल ए जे डेल यू आई अपॉन डेल वाई जे आर कॉल्ड जर्नल स्ट्रेन। पहला है अब इसमें डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर नॉन लीनियर स्ट्रेन इन लाग्रांजियन डिस्क्रिप्शन। Y1, Y2, Y3 ये है ए आई प्लस डी ए आई ओ वाई आई प्लस डी वाई आई यू आई ए प्लस डी ए इंटू में टी क्यू आर पी आर डी वाई आई क्यू पी पॉइंट पी बार वाई आई और ये है यू आई ए और टी ये है डी ए आई। लेट अस टू नेबरहुड पॉइंट्स पी एंड क्यू इन द मीडियम हूज पोजिशन वैक्टर्स आर ए आई एंड ए आई प्लस डी ए आई एट टाइम टी इक्वल जीरो आफ्टर टाइम टी द मीडियम मूव्स लेट पी बार एंड क्यू बार बी द पोजिशन ऑफ पॉइंट्स पी एंड क्यू आफ्टर टाइम टी and let their position vectors be yi and yi plus dyi. Let displacement of पॉइंट पी बी यू आई ए वन ए टू ए थ्री टी
एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट क्यू बी यू आई ए वन डी ए वन ए टू डी ए टू ए थ्री डी ए थ्री इंटू टी हैंस द पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट आर पी बराबर ए आई एंड क्यू बराबर ए आई प्लस डी ए आई फॉर ट्राइंगल ओ पी पी बार ओ पी बार इक्वल ओ पी प्लस पी पी बार पी बार वाई आई इक्वल ए आई यू आई ए और टी ओ क्यू प्लस क्यू क्यू बार एक है वाई आई प्लस डी वाई आई इक्वल में ए आई प्लस डी ए आई ए प्लस डी ए और टी फाइंड स्ट्रेन वी कैलकुलेट द डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर पी क्यू एंड पी बार क्यू आर दैट इज डी वाई का होल स्क्वायर माइनस डी ए का होल स्क्वायर. देखिए क्या है, जर्नल स्टूडेंट कह रहा है इफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यू आई देन डेल यू आई अपॉन में डेल ए जे और डेल यू जे आई अपॉन में डेल वाई जे आर कॉल्ड जर्नल स्ट्रेन. जर्नल स्ट्रेन हम किससे कहेंगे, डेल यू आई का रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एक तो इनिशियल कंडीशन में, एक पोजिशन वैक्टर्स के रूप में यानी कि इंस्टेंट जो आए, तो उन दोनों कंडीशन के रूप में अगर डेरिवेशन होता है, डिफ्रेंशिएशन, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, जर्नल स्ट्रेन कहेंगे. यही लिखा है इफ डिस्प्लेसमेंट वैक्टर यू आई देन डेल यू आई अपॉन में डेल ए जे और डेल यू आई अपॉन में डेल वाई जे आर कॉल्ड जर्नल स्ट्रेन. अब है पहला डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर नॉन लीनियर स्ट्रेन इन लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन. लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन के लिए देखिए वाई वन वाई टू वाई थ्री यहाँ पर क्या है, ओ पी पी बार ओ क्यू क्यू बार ये क्या है वाई आई ये ए आई है, तो यहाँ आ गया यू आई ए टी डी वाई आई डी ए आई ए आई वाई आई प्लस डी वाई आई ए आई प्लस डी ए आई. देखिए यहाँ ओ से पी तक के जो बीच में डिफरेंस है यानी डिस्टेंस है वो ए आई है, पोजिशन ए आई है, और ओ से क्यू के लिए कितना होगा अंतर होगा डी ए आई यानी ए आई में कितना ऐड कर देंगे डी ए आई. अब यहाँ पर देखिए यहाँ से ओ से पी बार के लिए कितना है वाई आई और ओ से क्यू बार के लिए कितना है वाई आई प्लस डी वाई आई. अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस डी वाई आई है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है डी ए आई है. अब यहाँ पर होगा यू आई ए और टी, क्यों कंडीशन यानी कि सिचुएशन बताएंगे यानी पोजीशन वेक्टर बताएंगे, तो यू आई होगा इस पॉइंट पर और किस पर होगा ए और टी पर, और जबकि यहाँ पर निकालोगे इधर तो कितना आएगा यू आई ए प्लस डी ए और टी. तो इस तरीके से आपको डायग्राम याद रखना है. अब देखिए आगे लेट अस टू नेबरहुड पॉइंट्स, दो नेबरहुड पॉइंट्स हैं पी और क्यू इन द मीडियम हुज पोजिशन वैक्टर आर, जिसका पोजिशन वैक्टर्स क्या है आर ए आई एंड ए आई प्लस डी ए आई यानी लेट अस टू नेबरहुड पॉइंट्स, दो नेबरहुड पॉइंट्स माने हैं पी और क्यू इन द मीडियम, किसी मीडियम में हुज पोजिशन वैक्टर्स आर, जिसके पोजिशन वैक्टर्स हैं ए आई एंड ए आई प्लस डी ए आई एट टाइम टी इक्वल जीरो. आफ्टर टाइम टी द मीडियम मूव्स, आफ्टर टाइम टी, टाइम टी के बाद क्या होता है मीडियम क्या करता है मूव्स करता है. लेट पी बार एंड क्यू बार बी द पोजिशन ऑफ पॉइंट्स पी एंड क्यू, तब क्या होगा पी बार और क्यू बार क्या होंगे पोजिशन होंगे पी और क्यू के आफ्टर टाइम
टी, किसी टाइम टी के बाद, एंड लेट देयर पोजिशन वैक्टर्स बी, अब वो उनके पोजिशन वैक्टर्स क्या होंगे, वाई आई एंड वाई आई प्लस डी वाई आई. अब क्या है, लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी बी यू आई की वैल्यू किस पर है, ए वन ए टू ए थ्री और टी पर. यू आई की वैल्यू है ए वन ए टू ए थ्री और टी पर. एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट्स क्यू बी, क्यू का डिस्प्लेसमेंट क्या है, यू आई ए वन प्लस डी ए वन ए टू प्लस डी ए टू ए थ्री प्लस डी ए थ्री और टी. अब क्या है, हैंस द पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट्स आर पॉइंट्स, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब क्या देखेंगे, पोजिशन वैक्टर्स देखेंगे, पॉइंट्स आर पी बराबर ए आई, क्यू बराबर कितना है ए आई प्लस डी ए आई. फॉर ट्राइंगल ओ पी पी बार इक्वल, ओ पी बार इक्वल क्या होगा, अब किस ट्राइंगल में देखेंगे, ओ पी पी बार में, तो ओ पी प्लस पी बार, वो ट्राइंगल का यही फॉर्म होती है, ओ पी बार बराबर यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट जाएंगे तो ओ पी प्लस पी पी बार, ये ट्राइंगल की फॉर्म हो गई, ओ पी बार बराबर ओ पी प्लस पी पी बार. पी बार की वैल्यू यानी कि क्या होगा, वाई आई ए आई प्लस में यू आई ए और टी में, यानी कि वाई आई इक्वल क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये वाई आई है, यहाँ पर क्या होगा ए आई, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि कितना है, यू आई ए पर, ए पर यानी ए और टी पर निर्भर है, यानी यू आई डिस्प्लेसमेंट है. सिमिलरली ओ क्यू बार, ओ क्यू बार यानी कि इस ट्राइंगल में, तो ओ क्यू बार इक्वल होगा ओ क्यू प्लस क्यू क्यू बार. ठीक है, अब क्या होगा, क्यू आर की वैल्यू आएगी वाई आई प्लस में डी वाई आई, और इक्वल में कितना आएगा, ए आई प्लस डी ए आई और यू आई ए प्लस डी ए और टी. फाइंड स्ट्रेन, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रेन फाइंड आउट करना है. वी कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, इनके डिफरेंस निकालने स्क्वायर के, पी क्यू एंड पी वार क्यू वार, दैट इज डी वाई का होल स्क्वायर माइनस डी ए का होल स्क्वायर. अब देखिए आगे, स्क्रीनशॉट लीजिए आप. अब देखिए डी वाई का स्क्वायर माइनस डी ए का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो वो चीज आप ध्यान रखना. अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, डी वाई का स्क्वायर हम क्या निकाल रहे थे, माइनस डी ए का स्क्वायर, तो क्या आएगा, पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल डी ए का होल स्क्वायर इक्वल डी ए आई, और पी बार क्यू बार का स्क्वायर इक्वल डी वाई का स्क्वायर डी वाई आई डी वाई आई, डी वाई का स्क्वायर माइनस डी ए का होल स्क्वायर इक्वल डी वाई आई माइनस डी ए आई डी वाई आर माइनस डी ए आई. सिंस डी वाई आई इक्वल डेल वाई आई अपॉन डेल ए जे पी पर डी ए जे, सिमिलर डेल ए आई पी पर डी ए आई इक्वल डी वाई आर. अभी क्या होगा, डी वाई का स्क्वायर माइनस डी ए का होल स्क्वायर इक्वल डेल वाई आर डी ए आई इंटू में डेल वाई आर अपॉन में डेल ए जे डी ए जे माइनस डेल आई जे डी ए आई डी ए जे. फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी पी बार वाई आर इक्वल ए आर प्लस यू आर ए टी, इक्वल में क्या होगा ए आर प्लस यू आर. अब क्या होगा, डी वाई का स्क्वायर
माइनस डी ए का होल स्क्वायर इक्वल डेल अपॉन में डेल ए आई ए आर प्लस यू आर डेल अपॉन में डेल ए जे ए आर प्लस यू आर माइनस डेल आई जे डेल आर आई डेल यू आर अपॉन डेल ए आई डेल आर जे डेल यू आर अपॉन में डेल ए जे माइनस डेल आई जे डी ए आई डी ए जे इक्वल में डेल आई जे प्लस डेल यू आई डेल ए जे प्लस डेल यू जे अपॉन डेल ए आई माइनस डेल आई जे डी ए आई डी ए जे डी ए आई डी ए जे इक्वेशन नंबर 1। देखिए क्या बोला है, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा, पी क्यू यानी पहली सिचुएशन है तो पहली सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा यानी इनिशियल कंडीशन में होगा, तो डी ए आई हो जाएगा। क्यों? डी ए का स्क्वायर होगा। और पी बार क्यू बार यानी कि स्क्वायर है, यानी कि हमें यही तो निकालना है, डी वाई का स्क्वायर माइनस डी ए का स्क्वायर, तो कितना आएगा, डी वाई का होल स्क्वायर बराबर डी वाई आई डी वाई आई, डी वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस डी ए का होल स्क्वायर इक्वल डी वाई आई माइनस डी ए आई डी ए आई। अब क्या होगा, इक्वल में डी वाई आर डी वाई आर माइनस डी ए आई डी ए आई, सिंस डी वाई आई इक्वल में डेल वाई आई अपॉन में डेल ए जे, पी किस कंडीशन पर, पी पॉइंट पर डी ए जे, सिमिलर डेल वाई आर अपॉन में डेल ए आई पी पर डी ए आई इक्वल डी वाई आर। अब क्या होगा, डी वाई का होल स्क्वायर माइनस डी ए का होल स्क्वायर इक्वल डेल वाई आर अपॉन में डेल ए आई इंटू में डी ए आई डेल वाई आर अपॉन में डेल ए जे डी ए जे माइनस डेल आई जे डेल डी ए आई डी ए जे। फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी पी वार की वैल्यू क्या होगी, ये सारी वैल्यूज रखी है, कहने का मतलब है अब क्या होगा, वाई आर की वैल्यू देखना आप ट्राइंगल ओ पी पी वार में, तो वाई आर बराबर ए आर प्लस यू आर लिख सकते हैं हम, क्यों, पहली कंडीशन और फिर बाद वाली कंडीशन यू आर प्लस ए आर, तो डी वाई का स्क्वायर माइनस डी ए का होल स्क्वायर बराबर डेल अपॉन में डेल ए आई, वाई आर की वैल्यू रखेंगे ए आर प्लस यू आर, और डी ए क्या होगा डेल अपॉन में डेल ए जे, और वाई आर की वैल्यू ए आर प्लस यू आर माइनस डेल आई आई जे डी ए आई डी ए जे। अब क्या होगा, डेल ए आर अपॉन में डेल ए आई को डेल आर आई कहेंगे, डेल यू आर अपॉन में डेल ए आई को क्या कहेंगे, डेल यू आर अपॉन में डेल ए आई आ जाएगा। आगे वाली कंडीशन डेल ए आर अपॉन में डेल ए जे को हम क्या कहेंगे, डेल आर जे कहेंगे, और ये क्या होगा डेल यू आर अपॉन में डेल ए जे माइनस डेल आई जे बराबर में क्या इंटू में क्या होगा डी ए आई डी ए जे। अब क्या है, डेल आर आई डेल आर आई और डेल आर जे का मल्टीप्लाई, अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो डेल आर आई और इंटू में डेल आर जे का मल्टीप्लाई होगा तो डेल आई जे आ जाएगा। ये वाली कंडीशन आएगी डेल यू आई अपन में डेल ए जे प्लस में डेल यू जे डेल ए आई और प्लस में डेल यू आर डेल ए आई डेल यू आर डेल ए जे माइनस डेल आई जे हो जाएगा। कर सकते हो आप डेल आई जे कैंसिल आउट हो गया, डेल यू आई अपन में डेल ए जे प्लस में डेल यू जे अपन में डेल ए आई प्लस डेल यू आर अपन में डेल ए आई इंटू में डेल यू आर अपन में डेल ए जे डी ए आई डी ए जे। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। अब आप स्क्रीन शॉट लें, अब देखिए आगे इक्वेशन नंबर 1 को आगे सॉल्व करते हैं हम। नॉन लाग्रांजियन नॉन लीनियर स्ट्रेन टेंसर
नॉन लीनियर स्ट्रेन टेंसर एल आई जे इक्वल हाफ डेल यू आई अपॉन डेल ए जे प्लस डेल यू जे अपॉन डेल ए आई प्लस डेल यू आर अपॉन डेल ए आई प्लस में डेल यू आर अपॉन डेल ए जे। एल आई जे इज सिमेट्रिक, तो एल जे आई इक्वल एल आई जे। सो वाई वन वी हैव डी वाई का स्क्वायर माइनस डी ए का होल स्क्वायर इक्वल टू एल आई जे डी ए आई डी ए जे। अब आगे देखिए लाग्रांजियन लीनियर स्ट्रेन टेंसर। लाग्रांजियन लीनियर स्ट्रेन टेंसर इफ डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट डेल यू आई अपॉन में डेल ए जे इज अज्यूम्ड स्मॉल देन प्रोडक्ट टर्म डेल यू आर डेल ए जे डेल यू आर अपॉन में डेल ए आई being small is neglected. Lij equal half del ui upon my del aj plus del uj upon del ai equal half यू आई विद जे प्लस यू जे विद आई। क्या है देखिए, नाउ लाग्रांजियन नॉन लीनियर स्ट्रेन टेंसर एल आई जे एज। अब क्या है लाग्रांजियन नॉन लीनियर स्ट्रेन टेंसर से एल आई जे से क्या देखेंगे, एल आई जे इक्वल हाफ डेल यू आई अपन में डेल ए जे प्लस में डेल यू जे अपन में डेल ए आई डेल यू आर अपन में डेल ए आई प्लस में डेल यू आर अपन में डेल ए जे होगा। अब क्या है एल आई जे सिमेट्रिक, एल आई जे क्या है सिमेट्रिक होगा। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है कि एल आई जे इक्वल क्या होता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है यानी कि इंडेक्स का आपको कोई ध्यान नहीं रखना, तो एल जे आई इक्वल एल आई जे होगा। सो वाई वन वी हैव डी वाई का होल स्क्वायर माइनस डी ए का होल स्क्वायर इक्वल में टू एल आई जे डी ए आई डी ए जे। अब क्या है ये फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब टू इधर चला जाएगा टू एल आई जे आ जाएगा, तो हम इक्वेशन नंबर वन में रख देंगे यानी डी वाई स्क्वायर अपॉन में डी ए का माइनस डी ए का होल स्क्वायर इक्वल में कितना आ गया टू एल आई जे डी ए आई डी ए जे। अब क्या है लाग्रांजियन लीनियर स्ट्रेन टेंसर, लाग्रांजियन लीनियर स्ट्रेन टेंसर का होगा इफ डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट डेल यू आई अपन में डेल ए जे इज अज्यूम्ड स्मॉल। अगर क्या अज्यूम्ड किया जाता है, स्मॉल अज्यूम्ड किया जाता है, देन प्रोडक्ट टर्म डेल यू आर अपन में डेल ए जे और डेल यू आर अपन में डेल ए आई बींग स्मॉल इज नेग्लेक्टेड, तब इसको छोड़ दिया जाएगा। तो एल आई जे बराबर होगा हाफ डेल यू आई अपन में डेल ए जे डेल यू जे अपन में डेल ए आई इक्वल में हाफ यू आई विद जे प्लस में यू जे विद आई। ये जब तब होगा जब एक टर्म छोटी हो और बाकी की टर्म नेगेटिव वाली जो है वो हट जाए, वो नेगलेक्ट हो जाए, तब ये हमारा। और इसको हम किससे शो करते हैं, एल आई जे से शो करते हैं, और इसको कहेंगे लाग्रांजियन लीनियर स्ट्रेन टेंसर। अब आप इसका स्क्रीन शॉट लें, तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा, लाग्रांजियन लीनियर स्ट्रेन टेंसर एंड नॉन लीनियर स्ट्रेन टेंसर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आइलियन जो लीनियर स्ट्रेन टेंसर और आइलियन का नॉन लीनियर स्ट्रेन टेंसर के बारे में पढ़ेंगे। और आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो आप प्लीज़ देख लें। थैंक यू सो मच।